ओके okay, एक बार चेक कर लेते हैं हम लाइव आ चुके हैं नोटिफिकेशन <coughs> hmm, गई है एक बार मैं चेक करती हूँ ओके वी आर लाइव नाउ हेलो एवरीवन वेलकम टू योर ओन चैनल डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम जैसा कि आप जानते हैं बच्चों की ह्यूज डिमांड पे साइंस का आज ये टॉपिक करने जा रहे हैं साइंस की वीडियो आप सभी के लिए हाजिर है आप सभी ने बहुत साथ दिया था और आपके साथ के बलबूते पे हमने साइंस के क्लास सिक्स और क्लास सेवन का कंप्लीट कर लिया था और उसी में ही आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम बात करने वाले हैं साइंस के चार्ट क्लास एट्थ के चैप्टर फर्स्ट की जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जी हाँ कैसे आप फसल को उगाते हो उसको कैसे मैनेज करते हो आज हम ये पढ़ने वाले हैं तो जल्दी से जुड़ जुड़ जाइए और हम बात करते हैं हमारी सोशल मीडिया हैंडल्स की तो देखिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल है पहला है हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि है डी के गुप्ता वन वन टू टू टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ सकते हैं इसके साथ साथ हमारी इंस्टाग्राम आईडी है जो कि है डी के गुप्ता वन वन टू टू तो आप इंस्टाग्राम पे डीके गुप्ता के साथ जुड़ सकते हैं इसके साथ साथ हमारा फेसबुक पेज है जो कि है डीके गुप्ता वन वन टू टू तो आप डीके गुप्ता का जो फेसबुक पेज है आप उससे भी लिंक कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी ऑफिशियल ऐप है जो कि है डीके अकेडमी तो आप हमारी ऑफिशियल ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो ठीक है तो जल्दी से देख लेते हैं कितने बच्चे हमारे साथ एक्टिव हैं कितने बच्चे लाइव आ चुके हैं और उसी के साथ हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे हाँ जी तो बच्चे जुड़ चुके हैं काफी बच्चे हमारे साथ लाइव आ चुके हैं और ऐसे ही आगे भी बच्चे हमारे साथ जुड़ते रहेंगे जी हाँ सभी को हाय सभी को गुड आफ्टरनून सभी को हेलो जो भी हेलो बोल रहे हैं जो भी हाय बोल रहे हैं सभी का स्वागत है इस चैनल पे ओके हाँ जी तो जल्दी से मैं थोड़ी बहुत बातें करूंगी क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आज बच्चों से कनेक्ट हुई हूँ बहुत दिनों बाद आज मैंने आपकी क्लास ली है तो सभी से सभी से कनेक्ट रहेंगे सभी से बात करेंगे हां जी तो बिल्कुल जुड़ चुके हैं सभी लोग हेलो हाय इंग्लिश की क्लास होगी बिल्कुल इंग्लिश की क्लास होगी अर्षी डोंट वरी हाँ मिस तो आप करते हैं मुझे पता है काफी बच्चे मिस करते हैं और इंग्लिश की क्लास जल्दी आपको देखने को मिलेगी ललिता राठौर अभी साइंस की क्लास चले क्योंकि आप जानते हैं जो ईवीएस है ईवीएस में भी आपकी साइंस आती है तो स्पेशली सर और मेरा डिस्कशन हुआ कि साइंस की क्लासेस को एक बार पूरा कर देती हूँ फिर आपकी उसके बाद मैं आपकी इंग्लिश जो आपकी जो पैसेज है और काफी एक दो ग्रामर क्वेश्चन मुझे कराने हैं आपकी बेसिकली सी के लिए और यूपीटेट का भी जो कोर्स है वो भी शुरू करना है तो काफी सारी चीजें हैं करने के लिए काफी सब है करने के लिए तो बिल्कुल अभी हम लोग साइंस करते हैं अभी हम लोग साइंस के लिए जुड़ेंगे और धीरे धीरे करके आपकी क्लासेस भी पूरी होते रहेंगे जो लोग मुझे मिस कर रहे हैं थैंक यू सो मच बिल्कुल बहुत दिनों बाद क्लास आज हुई है और उम्मीद करती हूँ बच्चों ने मुझे याद किया होगा मैं क्लासेस को जरूर मिस किया होगा और आगे भी ऐसे कनेक्ट रहेंगे और धीरे धीरे करके ऐसे ही बच्चे जुड़ते रहेंगे बिल्कुल दीपक शरावत क्लासेस होती रहेंगी सिक्स और सेवन डी के गुप्ता पे डल चुका है आज हम एट्थ जो क्लास है उसका स्टार्टिंग कर रहे हैं और जल्दी इसका समापन इसकी एंडिंग भी कर देंगे तो जल्दी से एक बच्चों का साथ चाहिए होता है बच्चों की लाइक चाहिए होती है बच्चों का शेयर चाहिए होता है और बच्चों की एक्टिवनेस भी बहुत जरूरी है बिल्कुल लक्ष्य देखिए सभी लोग याद करते हैं सभी लोग मिस करते हैं बिल्कुल तभी हम आपके साथ कनेक्ट हो पाते हैं तभी हम आपके साथ जुड़ जुड़ पाते हैं और इस बात की बहुत खुशी होती है कि आप सभी ने किया ठीक है तो जल्दी बिना टाइम वेस्ट के बैच शुरू करते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं आज से ही नोट्स बनाने शुरू करें आज से ही लिखना शुरू करें आज की डेट डाल लें और आज के नोट्स बना लें और हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिल्कुल भाई मिस मिस ललिता राठौर सभी ने मिस ललिता ने कह दिया है भाई लाइक करके जाइए ठीक है तो लाइक करके जरूर जाइएगा <coughs> पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की कि आज हम पढ़ने क्या वाले हैं बहुत सिंपल शब्दों में बताऊंगी बहुत सरल शब्दों में बताऊंगी कि अभी आप देखिए बेसिकली जो खेती बैकग्राउंड से हैं जिनके पेरेंट्स या जिनके रिलेटिव जो है वो खेती करते हैं उनको ये चैप्टर में बड़ा इंटरेस्ट आने वाला है क्योंकि हम इसमें पढ़ेंगे कैसे बीजों को डाला जाता है कैसे हम आगे उस चीज की फसल उगाते हैं कैसे हम उस चीज को भोजन प्राप्त करते हैं किस तरीके से हमें गायों भैंसों मतलब रियरिंग कैटरिंग करनी है तो हम सब आज हम बात करने वाले हैं तो सभी को मजा आने वाला है तो चलिए बिना टाइम वेस्ट क्या आज आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की तो देखिए गांवों में विशाल खेतों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है जब आप गांव की बात करते हैं जब आप गांव मतलब आप जानते हैं विलेजेस की बात करते हैं तो बेसिकली विलेजेस में खेती होती है ठीक है क्योंकि वहां जो आपको जमीन है वो बहुत ज्यादा जमीन मिलती है वहां शहरों की तरह इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां बिल्डिंगे ज्यादा बनाई नहीं जाती हम लोग पहले की बात कर रहे हैं अब उसको लेटेस्ट कंपेयर मत कीजिएगा ठीक है तो गांवों में विशाल खेतों का उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जाता है खेती किसानी का चलन है मीन जो किसान हैं उनका खेती करना उनका उनके परदादा उनके बुजुर्ग खेती करते आए हैं इसमें फसलों की खेती होती है और जानवरों को पालना शामिल है आप जानते हैं जब आप खेती की बात करते हैं तो इसमें कल्टीवेशन होती है क्रॉप्स की और इसमें जानवरों का पालन मतलब कैटरिंग या फिर आप रियरिंग ऑफ एनिमल्स बोल सकते हैं वो भी होता है बिल्कुल बिल्कुल सभी नोट्स बनाते रहिए भाई इंतजार तो करना ही होता है जब आपको नोट्स बनाने हैं और आपकी ह्यूज डिमांड पे हम कोर्सेस शुरू लाते हैं ठीक है तो आज ही आगे इस पार्ट में हम फसल की खेती पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो बदले में पूरी आबादी के अस्तित्व के लिए भोजन प्रदान करती है आप जानते हैं वेजिटेबल जो क्रॉप है जो आप बोलते खेती है वो एनिमल्स uh, के लिए वो ह्यूमन बींग्स के लिए वो हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है ठीक है हम खाद्य उत्पादन भंडारण और वितरण के बारे में विस्तार से जानेंगे हम इस चैप्टर में जानेंगे कि किस तरीके से जो खेती है उसको आप प्रोड्यूस करते हो किस तरीके से उसका उत्पाद करते हो किस तरीके से जब खेती बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में आप करते हो तो कहाँ आप उसको स्टोर करते हो कहाँ उसको आप रखते हो उसके बाद हम बात बात करेंगे कि अगर आपने स्टोर कर लिया अगर आपने उसका भंडार कर लिया उसके बाद आप किस तरीके से उसका विस्तार करते हो किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो ये भी हम पढ़ेंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले हम बात कर लेते हैं फसल की चैप्टर की क्रॉप चैप्टर की नहीं तो अभी बात करेंगे कि क्रॉप है क्या फसल है क्या तो जब एक ही तरह के पौधे को बड़े पैमाने पर एक जगह पर उगाया और उगाया जाता है तो इसे फसल कहा जाता है कहने का मतलब क्या है जब आपके पास बड़ी जमीन है और उस जमीन में सिर्फ आप कोई भी वीट ले लीजिए गेहूं ले लीजिए चना ले लीजिए बाजरा ले लीजिए जब आप उगाते हो बहुत बड़े खेत में बहुत बड़ी मात्रा में जब आप उगाते हो तो उसको आप कहते हो क्रॉप है क्या है जी क्रॉप है ठीक है उदाहरण के लिए गेहूं की फसल का मतलब है कि एक खेत में उगने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं बहुत सिंपल शब्दों में कहा जब भी आपको एग्जाम में क्रॉप देखने को मिले जब भी आपको एग्जाम में फसल देखने को मिले तो आप क्या कहेंगे <coughs> जब हम उस चीज को उस इंग्रेडिएंट को या उस आप गेहूं ले लीजिए गेहूं के पौधे आपने पूरे खेत में आपने गेहूं के पौधे उगा लिए तो आप क्या कहते हो हम गेहूं की खेती कर रहे हैं या हम वीट का क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये होता है क्रॉप ठीक है आगे देखो देश के विभिन्न भागों में उगाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की फसलें होती हैं अब आप जानते हैं जैसा ही आपका एरिया है वैसा ही आपका क्रॉप प्रोडक्शन होगा वैसा जैसे अगर आप नॉर्थ इंडिया में हैं तो वहां पे मोटा अनाज जैसे जैसे आप बोलते हो कोर्स ग्रेन वो उगाया जाता है अगर आप साउथ में जाएं ज्यादा बारिश है तो वहां पे राइस की खेती होगी अगर राजस्थान में जाएं तो वहां अलग खेती होगी दूसरी तरफ आप ईस्ट में जाएं जब आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जाएं तो वहां अलग खेती होती है तो विभिन्न शहर विभिन्न जो आपके खेत हैं उनके भी विभिन्न प्रकार होते हैं इस विविधता के बावजूद दो व्यापक फसल पैटर्न की पहचान आ सकती है मतलब अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बच्चों बेटा देखो पढ़ने में ध्यान दो कुछ नहीं रखा बातचीत में ठीक है तो आ जाओ अभी जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है भाई खारिफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स ये दो क्रॉप आपसे पूछी जाती हैं कि खारिफ की फसल कब उगाते हैं खारिफ की फसल है क्या और राबी की फसल आपसे पूछते एग्जाम में तो इसको जल्दी से स्टार लगा लो ठीक है क्लियर पढ़ने पे ज़्यादा ध्यान दो बातचीत करते रहेंगे ठीक है आ जाओ तो पहले हम बात करेंगे खारिफ क्रॉप्स की खारिफ की फसल की तो देखिए वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलों को खारिफ फसल कहा जाता है भारत में वर्षा ऋतु आमतौर पर जून से सितंबर तक होती है धान मक्का सोयाबीन मूंगफली कपास आदि खारिफ की फसलें हैं कहने का मतलब क्या है अगर आपको खारिफ की फसलें बेसिकली एग्जाम में पूछता क्या है आपको ऑप्शन आपको क्वेश्चन आएगा कि इनमें से खारिफ की फसलें छाटिए ठीक है या इनमें से कौन सी खारीफ की फसल नहीं है तो आपको ऑप्शन में आ जाएगा पैडी मेज सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन आपको एक अलग से आ जाएगा मटर तो आपको पता है जो मटर है वो राबी की फसल है राबी क्रॉप्स है तो आपको मटर पे राइट करना होगा मटर पे निशान लगाना होगा ठीक है जी तो ये ध्यान दीजिए आपसे पूछ सकता है कि खारिफ की फसल जो खारिफ क्रॉप्स है वो किस महीने में कब कब उगती है तो जून से सितंबर के बीच में उगती है ये आपको ध्यान रखना है ठीक है रेनी सीजन में उगती है ये आपको ध्यान रखना है और रेनी सीजन में क्यों उगती है क्योंकि इनमें ज्यादा पानी की जरूरत होती है ध्यान रखना है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ललिता बिल्कुल ठीक कह रहे हो भाई धान मक्का सोया बिना उड़द बिल्कुल बढ़िया बहुत ठीक कह रहे हो शाबाश देखिए जो मुझे कमेंट्स ऐसे रीजनेबल कमेंट्स दिखेंगे उनका रिप्लाई जरूर मिलने वाला है ठीक है तो आगे देखो राबी क्रॉप जो है उनका अगर बात करें तो द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन आर कॉल राबी crops. मीन्स सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलों को राबी की फसल कहते हैं उनका समय जो है वो आमतौर पर अक्टूबर मीन्स अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है ठीक है याद रखें बेसिकली ये विंटर्स में उगाई जाती है और इनका समय अक्टूबर से लेकर मार्च तक होता है और राबी की फसल का उदाहरण अगर देखें तो गेहूं चना मटर सरसों और अलसी ठीक है तो आपके सामने नीचे फिगर्स भी हैं तो आप फिगर्स को भी देख सकते हैं और इसके साथ साथ आप स्क्रीनशॉट ले लें या आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं और आपको पता है हमारा जो डीके अके सॉरी डीके अकेडमी के नाम से हमारा जो प्ले स्टोर पे है ऐप है वहां से आप डिफरेंट डिफरेंट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो लिमिटेड रेट पे ठीक है बिल्कुल संदीप राय बहुत दिनों बाद दिखाई दिया बिल्कुल ठीक बता रहे हो शाबाश हाँ, बिल्कुल खारिफ शाबाश आ जाओ जी आगे देखो पूरी आबादी को भोजन उपलब्ध कराने के लिए किसान जो है वो फसलों की खेती बड़े जिम्मेदारी से लेते हैं अब आप जानते होंगे कभी कभार आपको सुनने में मिलता है कि भाई यहाँ के यूपी के किसानों ने आंदोलन कर दिया क्योंकि आप जानते हैं अभी आप आज आप किसानों की जो मेहनत है वो आज, आज आप पढ़ने वाले हो कि जो किसान है वो खेती करने के लिए कितनी मेहनत करते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर उनको हिस्सा नहीं मिलेगा तो आंदोलन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे देखिए टीचर जो है वो बायस नहीं होती कभी भी है ना तो पर चीजों को ध्यान से देखिए और उसको अपने डेली लाइफ से रिलेट कीजिए ठीक है तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जो किसान लोग हैं हमारे जो किसान भाई हैं वो किस तरीके से भोजन बनाते हैं किस तरीके से जो क्रॉप है जो फसल है उसका उत्पादन करते हैं उसका प्रोडक्शन करते हैं तो देखो किसानों द्वारा फसल उत्पादन के लिए किए जाने वाले विभिन्न कार्यों की कृषि कार्य कहा जाता है देखिए एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं देखिए जो किसान है वो अलग अलग तैयारी करते हैं ठीक है और उन तैयारी को उस तैयारी को किस तरीके से बीज डालने हैं किस तरीके से बुवाई, सोइंग करनी है किस तरीके से उर्वरक मतलब फर्टिलाइजर्स डालने हैं फिर किस तरीके से पानी डालना है जो साइड में जो वीड्स उग गए जो आप खर पतवार उग गए उनको किस तरीके से हटाना है कैसे उसकी कटाई करनी है और कैसे फिर उसको स्टोर करना है क्योंकि बारिश में स्टोरेज खराब हो जाती है बदबू आती है तो किस तरीके से बड़े बड़े गोडाउन में उसको स्टोर करना है उसका संग्रहण करना है ठीक है तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है ताकि आप किसान भाई लोगों की जो वो बेसिकली वो जो प्रैक्टिस करते हैं उनको आप समझ सकें तो ठीक है कभी कभार आपको एग्जाम में ये जो आपके सामने स्टेप्स हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से लेकर स्टोरेज तक जो ये स्टेप्स है ये भी वो पूछ लेता है ठीक तो है, है तो ये लाइन वाइज स्टेप्स हैं जो आपको एनसीआरटी ने दिए हैं तो ये स्टेप्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए इसमें भी हम स्टार लगाएंगे और ये भी आपको करना है ठीक है ध्यान से देखिए पीडीएफ बिल्कुल लक्ष्य सेंट्रल पीडीएफ मिल जाएगी डोंट वरी पीडीएफ सब मिल जाएगी पर अभी पढ़ने पे फोकस कर लो ठीक है जी आ जाओ तो पहला जो स्टेप था वो क्या था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे जो आ, किसान लोग हैं वो मिट्टी को तैयार करते हैं क्योंकि मिट्टी में ही आप जानते हैं आप उर्वरक डालेंगे फर्टिलाइजर डालेंगे मेन्यू डालेंगे तो मिट्टी को तैयार करना क्योंकि देखिए आप जानते हैं नींव जब भी कोई बच्चा पढ़ता है जब भी कोई बच्चा छोटा है तो मम्मी क्या क्या बोलती है कि यार इसकी नींव स्ट्रांग करनी है ठीक है तो नींव क्या है मिट्टी तो है ना तो मिट्टी को तैयार करना सबसे पहला स्टेप है तो सबसे पहला स्टेप देख लो फसल उगाने से पहले <coughs> मिट्टी को तैयार करना पहला कदम है कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक क्या है मिट्टी को चाल रखना मीन्स मिट्टी को तैयार करना और इसे ढीला करना बिल्कुल देखिए मिट्टी को पहले ढीला करेंगे उसमें उर्वरक डालेंगे उसके बाद सोइंग होती है तो क्या है पहला स्टेप सबसे पहले क्या है मिट्टी को चाल करना मीन्स मिट्टी को लूज करना मिट्टी को ढीला करना लूज करना याद रखेंगे इंग्लिश वाले भी सुनते जाइए इससे जड़े मिट्टी में गहराई से प्रवेश कर सकती हैं और ढीली मिट्टी जड़ों को आसानी से सांस लेने की अनुमति देती है जब भी वे मिट्टी में गहराई तक जाते हैं कहने का मतलब क्या है मिट्टी को लूज किया जाता है मिट्टी को ढीला किया जाता है और मिट्टी को ढीला करने का मतलब क्या है कि जो जड़े हैं वो उसमें आपस में घुस जाए जड़े नीचे तक घुस जाए गहराई तक चली जाए और जो आप जानते हैं जो आपके माइक्रोब्स हैं जो अर्थवॉर्म हैं जो केचुए हैं रोगाणु हैं वो आप जानते हैं मिट्टी को फर्टिलाइज करते हैं मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं ठीक है ठीके? तो मिट्टी को उर्वरक बनाने के लिए आपको अर्थवॉर्म्स और माइक्रोब्स को आपको मिट्टी में डालना है तो जब आप मिट्टी को लूज करेंगे तो वो भी अपनी जगह ढूंढ लेते हैं तो इनको भी मिट्टी में डाला जाता है देखिए नीचे बड़ी फनी पिक्चर्स मैंने डाली थी इनकी कि ये देखिए किसी की थ्री आईज दो आईज तो ये सब भी आप साथ साथ देखते जाइए ठीक है क्लियर हो गया होगा चलेंगे आगे इसके बाद क्या होता है मिट्टी को ढीला करने के और मोड़ने की प्रक्रिया को टाइलिंग कहते हैं या फिर जुताई कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट इसको भी स्टार्ट लगा रही हूं एग्जाम में बहुत बार सीटेट में भी बहुत बार बार EBS में ये क्वेश्चन दिया है चाहे वो फर्स्ट uh, हो चाहे वो सेकेंड uh, लेवल वाले हो हमेशा ये क्वेश्चन आया द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड डैश वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है जी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो इसको याद कर लेना जब आप सॉइल को लूजन करते हो या फिर उसको आप तैयार करते हो उसको हम बोलते हैं टाइलिंग या फिर प्लगिंग ठीक है याद रखना दिस इज डन बाय अ प्लग इसको किससे किया जाता है प्लग से <coughs> देख सकते हैं आप प्लग प्लग्स आर मेड अप ऑफ वुड एंड आयरन जो प्लग है वो वुड से और आयरन से बनता है ठीक है जी आगे देखो बुवाई के लिए सिंचाई के लिए खेत को समतल किया जाता है समतल मतलब क्या है उनको लेवल में रखा जाता है और जो चीज लेवल में रखती है उसको हम कहते हैं है? लेवलर। क्या कहते हैं लेवलर क्या कहते हैं जी लेवलर याद रखेंगे जो चीज मिट्टी को लेवल में रखती है जो इंस्ट्रूमेंट मिट्टी को लेवल में रखता है उसको हम कहते हैं लेवलर याद रखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट मैंने क्या कहा मैंने आपको दो बात बताई है पहली बात क्या थी टाइलिंग और प्लगिंग कि मिट्टी को लूज करना और उसको बनाना दैट इज टाइलिंग और प्लगिंग और जब हम मिट्टी को लेवल में लाते हैं और जो इंस्ट्रूमेंट उसको लेवल में रखता है उसको आप बोलते हो लेवरर और उस प्रोसेस को बोलते हो लेवलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हाँ जी अजय साहू आपको <coughs> पीडीएफ मिल जाएगा डीके अकेडमी पे जाएंगे थोड़े दिन बाद पीडीएफ वहां साइंस की पूरी सिक्स सेवेंथ एट की पीडीएफ डलने वाली है तो वहां से बाय कर लेना ठीक है लिमिटेड रेट पे वहां से बाय कर लेना ओके आ जाओ जी नेक्स्ट अब आपकी जो मिट्टी है वो तैयार हो चुकी है ठीक है अब मिट्टी तैयार जब हमने की थी तो उसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हमने यूज किए थे कुछ टूल्स हमने यूज किए थे तो उन टूल्स के बारे में पढ़ना जरूरी है और ऐसा क्यों है क्योंकि एग्जाम में पूछता है और मैंने सिर्फ लिमिटेड चीजें डाली हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा रही हैं ठीक है और इतना कोई टफ नहीं डाला लिमिटेड चीजें डाली जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है ठीक है तो तो देखो आज मिट्टी की तैयारी के लिए जो कृषि है उसका उपकरण मीन्स जो उपकरण वहां यूज होते हैं जो टूल्स वहां इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे ओके तो देखिए हल कुदाल और कल्टीवेटर तीन महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो मिट्टी तैयार करने में मदद करते हैं जो देखिए तीन उपकरण है पहला है प्लग दूसरा है हो और तीसरा है कल्टीवेटर। क्या कहा हिंदी में हल कुदाल और कल्टीवेटर ये जो तीन है ये मिट्टी को तैयार करने में मदद करते हैं और इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि अगर आपको प्लग नहीं पता तो आपको प्लगिंग भी नहीं पता अगर आपको हल नहीं पता तो आपको जुताई भी नहीं पता होगा ध्यान से सुनो। टूल जुताई के लिए प्रयुक्त होने वाले उजार को आप प्लग कहते हो हल कहते हो ठीक है क्या कहा मैंने जुताई के लिए प्रयुक्त होने वाले उजार को आप हल कहते हो यह लोहे और लकड़ी से बना होता है इसमें क्या होता है गायों और बैलों या फिर घोड़ों को आप जोड़ी द्वारा खींचा जाता है और संभाल के माध्यम से किसान द्वारा संचालित किया जाता है इसकी फोटो आपके सामने है देखिए ये प्लग है अब आप देख सकते हैं प्लग में ये मैंने गाय और बैल है अगर दो गाय दो बैल इनके जोड़े हैं इनके जोड़े को आप लेके जाते हो बिल्कुल खर पतवार क्या होता है बेटा खर पतवार होता है वीड्स ठीक है जो अनवांटेड प्लांट्स जो आपके आपकी जब क्रॉप होती है उसमें लग जाते हैं और ये उनको जो वीड्स होते हैं ना जो खर पतवार होते हैं ये उनको जो बेसिकली जो क्रॉप है आपका ये उसको बढ़ने नहीं देगा ठीक है तो ये खर पतवार का चीज समझ आ गया होगी उम्मीद कर रही हूं चलेंगे आगे ध्यान से सुनो ध्यान से बिल्कुल ध्यान से ठीक है देखो अब मैं प्लग की बात कर रही थी मैं हल की बात कर रही थी और मैं बता रही थी कि जो ये दो बैल है ये किसान ने तो बैल चला दी और ये बैल के पास आपने ये प्लग लगा दी अब जो प्लग होता है मैंने बताया ये लकड़ी का होता है और नीचे से ना ये लोहे का होता है तो क्या करेगा ये पूरी मिट्टी को ना नीचे से खोद खोद के ये जो बैले हैं ये आगे चलेंगी और ये सारे उसको मिट्टी को खोद देंगी ठीक है लूज कर देंगी ठीक है तो देखो क्या है जो प्लग है जो हल है उसके तीन इसमें पार्ट है पहला क्या है देखिए बीम जो इनके ऊपर बांधी गई <coughs> दूसरी है प्लग शाफ्ट आप देख सकते हैं लकड़ी का ये पार्ट और तीसरा है प्लग शेयर जो ये लोहे का पार्ट है ये नीचे वाला पार्ट ठीक है क्लियर है क्लियर देखो प्लग शेयर मजबूत त्रिकोणीय लोहे की पट्टी है और हल दस्ता क्या है लकड़ी की लंबी लॉग है मतलब लकड़ी की लंबी ये लकड़ी है देख आप देख सकते हैं और भीम जो है वो जानवरों की गर्दन पर रखा गया स्टैंड है ठीक है क्लियर है भाई एवरीथिंग इज क्लियर प्रिय शर्मा का रिप्लाई नहीं हो रहा भाई प्रिय शर्मा को क्या हुआ क्या बोला प्रिय शर्मा दोबारा बताइए मुझे अच्छा सेकंड है आपका हो हो मतलब है बच्चे कुदाल तो हो क्या है कुदाल मिट्टी को ढीला करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक उपकरण है यह लकड़ी या लोहे का बना होता है लंबी रॉड से जुड़ी एक मजबूत लोहे की प्लेट ब्लेड की तरह काम करती है और मिट्टी को ढीला करने में मदद करती है इससे जानवरों द्वारा भी खींचा या सींचा जाता है कहने का मतलब क्या है देखिए पहले जो इस्तेमाल होता था वो था आपका प्लग ठीक है उसके बाद इस्तेमाल हुआ कुदाल ये थोड़ा उससे इनोवेटिव है इससे क्या है जो मिट्टी है ना वो कट भी जाती है क्योंकि क्योंकि इसमें ना ब्लेड दिया गया था ठीक है तो कुदाल जो है वो इनोवेटिव है वो आप देख सकते हैं नीचे कैसे ग्रिप है कैसे हैंडल है किस तरीके से इसमें जो रॉडे हैं वो लगाई गई है पहले आपका प्लग होता था इस्तेमाल में हल होता था आजकल कुदाल का इस्तेमाल करते हैं ठीक है जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सभी लोग जो यूपी साइड से जो बिहार साइड से बेसिकली वहां पे एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं तो उनके अपनी खेत है तो बिल्कुल आपने तो अपना एक्सपीरियंस लेके ही हर चीज कर रखी है वेरी गुड शाबाश आ जाओ जी थर्ड पे थर्ड उपकरण थर्ड टूल क्या है खेती का जो आप ज, जो आप अपनी सॉइल को तैयार करते हो ठीक है तो थर्ड है आपका खेती हर जिसे आप कहते हो कल्टीवेटर क्या कहते हो जी कल्टीवेटर खेती हर, तो ये क्या है कल्टीवेटर जुताई के लिए प्रयुक्त एक उपकरण है मैनुअल के साथ साथ ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर का उपयोग किया जाता है ट्रैक्टर चालित कल्टीवेटर तेज होते हैं और इस प्रकार समय की बचत होती है और मानव श्रम की बचत होती है देखिए जो खेती हर है वो क्या है इसमें क्या है ये तो ट्रैक्टर है आप पीछे देखिए यहाँ पे इन्होंने ये ये नीचे लगा दिया और ये ट्रैक्टर चलाता रहेगा और जल्दी से ये जो सॉइल है जो मिट्टी है उसको खोल देगा तो ये सबसे इनोवेटिव है कल्टीवेटर बिल्कुल हल्की तरह होता है कल्टीवेटर पर आगे क्या है इसमें आपका ट्रैक्टर लगा है बस ये बात होती है ठीक है जी चलेंगे फिर आगे अब आप आपके पास उपकरण भी थे आपने उपकरण सीख लिया और आपने क्या किया अब आपने अपनी जो मिट्टी है उसको तैयार कर लिया तो अभी अभी क्या है आपको डालने हैं बीज तो बीज डालने का तरीका भी सीख ले ताकि अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया तो जिन्होंने आशा खेती नहीं की वो भी जाके खेती कर लो ठीक है जी चलो आओ तो फिर सोइंग की बात करेंगे बुवाई की बात करेंगे आ जाओ जी खेती के लिए मिट्टी तैयार होने के बाद धरती पर बिखेरे बीजों को बुवाई कहा जाता है जो हम धरती पे जो बीज बिखेरते हैं जो बीज डालते हैं उसको हम कहते हैं बुवाई यह कृषि का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कृषि है जो एग्रीकल्चर है उसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बीज के बिना पौधे विकसित नहीं हो सकते ठीक है आप जानते हैं बीज जब नहीं डालोगे तो पौधे कहां से हो जाएंगे तो बीज डालने बहुत जरूरी है तो बीज सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है <coughs> बोए गए बीजों का प्रकार उन फसलों की गुणवत्ता तय करता है जो इसे बाहर आती है जिस तरीके से आप बीज बोओगे उस तरीके से आपका जो पौधा है वो उगेगा ठीक है तो बीज बोना भी सबसे बड़ा एक आपका हिस्सा है तो देखिए क्या है अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों को हमेशा बोना चाहिए जिनकी अच्छी गुणवत्ता मीन्स गुड क्वालिटी के सीड्स को आप बोए ठीक है अच्छी गुणवत्ता वाले बीज उच्च उपज क्षमता वाले स्वच्छ स्वस्थ बीज को आसानी से बुरे लोगों से बुरे लोगों से अलग किया जा सकता है कहने का मतलब क्या है भाई अगर आप अच्छे बीज बोएंगे ठीक है तो आपकी फसल भी अच्छी उगेगी तो अच्छे बीज बोए ताकि आपकी फसल भी अच्छी उगे ठीक है हाँ बिल्कुल आ, ललिता कह रही है मैम बस वीडियो में ही अच्छी लग रही है खेती अच्छा ललिता ने आपने खेती की हुई है मुझे ऐसा महसूस हो रहा है मैंने आज तक खेती नहीं की मुझे मौका मिले तो मैं एक बार जरूर ट्राई करना चाहूंगी ठीक है जी आ जाओ जी एक बार पानी में डालकर आप देखिए जो बीज है उनको डालने का तरीका क्या है ठीक है तो एक बार पानी में डालकर कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाए उन बीजों को तो हल्के और खोखले जो होते हैं ना बीज जो खोखले होंगे वो ऊपर आ जाएंगे वो हल्के हो जाएंगे और उनको फिर हटा दें और जो नीचे बैठे हुए बीज है उनको आप अंदर रख लें ठीक है हाँ जी बहुत टफ है खेती करना ओके तो बिल्कुल आप सभी मुझे अपना एड्रेस वगैरह बता दीजिएगा तो मैं जरूर आके आपके एग्जाम खत्म होने के बाद एक बार जरूर आके ट्राई करना चाहूंगी कि किस तरीके से खेती की जाती है बहुत टफ तो बिल्कुल टफ है वेरी नाइस टफ तो है हाँ बिल्कुल अच्छे बीज होंगे तो फसल भी अच्छी ही होगी ठीक है आगे देखो <coughs> बीज की <मैं... coughs> सॉरी बीज की मैनुअल बुवाई में समय और श्रम शामिल होता है बीज ड्रिल जैसी उपकरण ट्रैक्टर का उपयोग करके बीज बोने में मदद करते हैं। आप जानते हैं जो बीज ड्रिल होता है बीज ड्रिल आप देख सकते हैं नीचे बीज ड्रिलों का उपयोग किया जाता है इनसे ही जो आपकी बीजे बीज हैं वो डाली जाती क्या हो कि आपके जो बीजे बीज हो वो समान दूरी पर डले समान दूरी पर क्यों डालें क्योंकि जो उगेंगे वो भी इक्वल होंगे तो जो बीज है अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी बीज हो वो अगर अच्छे पौधे हो गए तो आपको कुछ एडवांटेज कुछ उपयोग भी करने होंगे पहली बात क्या है वो अगर आप बीज सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हो तो आपके जो बीज है वो यूनिफॉर्म डिस्टेंस मतलब समान दूरी पर डलेंगे दूसरी बात क्या है कि जो जो एनिमल्स जो बर्ड्स आते हैं जो पक्षी आते हैं पशु पक्षी आते हैं उनको खा नहीं पाएंगे क्योंकि जो बीज है वो अंदर तक डलेंगे तीसरी बात क्या आ, समय बचेगा आपका ठीक है और चौथी बात क्या जो मानव श्रम है वो बचेगा मतलब जब मशीनों का इस्तेमाल आप करते हो तो टाइम बचता है आपका जो श्रम है वो बचता है और जो बीज है वो पशु पक्षियां भी खाते नहीं क्योंकि वो टाइम पे डलते हैं ठीक है ठीके? क्लियर हो गया हाँ जी साथ, साथ बिल्कुल मैं आप सभी कमेंट्स पढ़ती जा रही हूं ओके आ जाइए आगे अब देखिए आपने बीज डाल दिए हैं आपके बीज डल चुके हैं तो अब हम बात करेंगे एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर की अब मेन्योर और फर्टिलाइजर खाद और उर्वरक कैसे कैसे डलेंगे मतलब खाद और उर्वरक डालने जरूरी है क्योंकि ये न्यूट्रीशन देते हैं तो खाद और उर्वरक भी डालने हैं तो वो कैसे डालोगे उसका देख लो पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उन्हें खाद और उर्वरक कहते हैं। आप जानते हैं पौधे हैं न्यूट्रिशन चाहिए पोषक तत्व चाहिए तो पोषक तत्व कैसे करेंगे पोषक तत्व आपके मिलेंगे आप जब उनमें क्या लोगे खाद और उर्वरक डालोगे तो अब आपने खाद और उर्वरक डालने हैं तो वो कैसे डालेंगे ध्यान से देखो आप पहले हम बात करेंगे मेन्योर की जो मेन्योर है वो क्या है तो खाद एक कार्बनिक पदार्थ है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है यह जानवरों के मलमूत्र और पौधों के कचरे के अपघटन से तैयार होता है इसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं यह आसानी से अपनी जल धारण क्षमता को बढ़ाकर मिट्टी की संरचना में सुधार करता है और जल जमाव से भी बचाता है कहने का मतलब क्या है देखिए अभी मैंने ऊपर कहा कि जो खाद है और, और जो उर्वरक है वो क्या है ठीक है तो देखिए जो मेन्योर है वो तो आप जानते हैं जो गाय हैं उनके उनके जो मतलब जो उनका एक्स्ट्रा एक्सक्रेटा होता है उसको आप रख के उसको आप स्टोर करते हो और उसको आगे आप मेन्योर की तरफ से खाद की तरह आप उसको यूज करते हो ठीक है तो वही उन खादों के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है वो मिट्टी को बढ़ाएगा बिल्कुल बिल्कुल राहुल पांडे कह रहे हैं भाई सरसों की बुआई हो रही है अच्छा इस टाइम पे फाइन आगे देखो अब आपने पढ़ा था मेन्यूर। अब आप बात कर रहे हो फर्टिलाइजर की तो फर्टिलाइजर जो होते हैं जो उर्वरक होते हैं वो फैक्ट्रियों में बनते हैं ठीक है आप तभी बेसिकली जो किसान है वो मेन्योर का इस्तेमाल करना शुरू करता है मेन्योर का इस्तेमाल करता है ठीक है ठीक है तो देखिए उर्वरक क्या है उर्वरक व्यवसायिक रूप से पादप पोषक तत्वों का उत्पादन करते हैं यदि वे उचित खुराक में लगाए जाते हैं तो वे अधिक पैदावार और स्वस्थ पौधे देते हैं ठीक है नाइट्रोजन देखिए ये जो उर्वरक है वो बनता किसके से तो नाइट्रोजन से फास्फोरस से पोटेशियम से ये बनते हैं और अच्छी मात्रा में इनमें मिट, मिट्टी में ये मिलाई जाते हैं और अगर आप मिट्टी में इन्हें मिलाते हो तो ये मिट्टी को समृद्ध बनाते हैं मीन्स मिट्टी को न्यूट्रिशियस बनाते हैं पोषक बनाते हैं ठीक है तभी मैंने आपको बताया और आपके एग्जाम में आया था फर्टिलाइजर और मैन्योर में डिफरेंस तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान से देखिए फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक और खाद में आपका डिफरेंस क्या है तो देखिए जो उर्वरक होगा वो आपके किससे बनते हैं केमिकल से बनते हैं मैं हिंदी में समझा रही हूं ठीक है जो उर्वरक है वो किससे बनेंगे केमिकल से बनेंगे और जो खाद है वो किससे बनेंगे आपके वो आपके जो कैटल जो आपकी गाय भैंसे होती है उसके जो वेस्ट होता है उसको आप प्लांट में मिला के आप उससे बनाते हो मैन्योर मेन्योर ये खाद तो खाद बनती है आपकी गाय भैंसों से और जो फर्टिलाइजर जो उर्वरक है वो आपका किससे बनता है फैक्ट्रियों में बनता है केमिकल से बनता है याद रखेंगे ठीक है बिल्कुल ललिता बिल्कुल ठीक कह रहे हो फॉस्फोरस पोटेशियम और नाइट्रोजन बिल्कुल ठीक है वेरी गुड आगे देखो जो आपका उर्वरक है वो फैक्ट्रियों क्रेक्टर में बनता है और जो आपकी खाद होती है वो आपकी फील्ड्स में मतलब जो फील्ड है जो मैदान है वहां बनते हैं तीसरा देखो जो उर्वरक है आपका वो उसमें कोई भी ह्यूमस नहीं होती पर जो मैन्योर है जो आपका खाद है उसमें ह्यूमस होती है आप जानते हैं ह्यूमस सोइल के लिए मिट्टी के लिए बहुत जरूरी है ठीक है आगे देखो फर्टिलाइजर जो होते हैं वो आप प्लांट्स में वो आप पौधों में डालते हो ठीक है और उनमें क्या क्या होता है क्या क्या होता है उनमें नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटेशियम बल्कि जबकि जो खाद है जो खाद है उसमें क्या होता है वो बेसिकली कम न्यूट्रिशियस होते हैं जो फर्टिलाइजर होते हैं वो ज्यादा न्यूट्रिशस उनमें ज्यादा पोषक तत्व होते हैं क्योंकि वो, क्यों वो फैक्ट्रियों में बनते हैं पर जो मेन्योर है जो खाद है उसमें कम पोषक तत्व होते हैं याद रखेंगे ठीक है <coughs> आगे चलो अब देखिए अब आपने फर्टिलाइजर डाल दिया उर्वरक डाल दिए खाद डाल दी अब बात आई उसकी सिंचाई करने की उसको इरिगेट करने की तो इरिगेट करने का मतलब क्या है सिंचाई करने का मतलब क्या है ध्यान से सुन लो विभिन्न अंतरालों पर फसलों को पानी की पूर्ति को सिंचाई कहा जाता है वेरी इंपॉर्टेंट जब आप पानी डालते हो अपने क्रॉप में अपनी फसल में उसको कहा जाता है सिंचाई उसको कहा जाता है इरिगेशन ठीक है क्लियर आगे देखो सिंचाई का समय और आवृत्ति फसल से मिट्टी से और मौसम से मौसम तक भिन्न आपको तो पता ही होगा ये बातें कि देखिए जो अगर विंटर में उगाते हैं तो कम पानी की जरूरत होती है अगर सम समर में अगर गर्मियों में उगाते हो तो पानी की जरूरत ज्यादा होती है तो पानी और पानी की जो जरूरतें हैं वो मौसम के हिसाब से बदलती रहती हैं बिल्कुल ठीक है आगे देखो अब जो इरिगेशन है अब जो पानी है आप जानते हैं पानी के जो सोर्स हैं जो स्रोत हैं वो अलग अलग होते हैं कोई तो कुएं से डालता है कोई ट्यूबवेल से कोई तालाब से कोई झील से नदियों से बांध से और नहरों से तो पानी का हिसाब जोड़ना पानी के स्रोत आप जानते हैं आप बचपन से पढ़ते आए हैं आपको पानी कहाँ कहाँ से मिलता है तो पानी आपको जहां से भी मिले वो क्या है आपका पानी का स्रोत है बात समझ आ गया और वहीं से आपका इरिगेशन होगा तो अगर आपको इरिगेशन का मतलब पता है अगर आपको सिंचाई का मतलब पता है तो आपको ये पानी के स्रोत भी पता होंगे ठीक है आ जाओ जी आगे अब हम बात करेंगे जो इरिगेशन है जो सिंचाई है उसके पारंपरिक तरीके क्या हैं उसके ट्रेडिशनल मेथड क्या हैं तो सिंचाई के तरीके आप देख लो तो ट्रेडिशनल मतलब जो पहले इस्तेमाल किए जाते थे और जो मॉडर्न आएंगे जो अब इस्तेमाल करते हैं तो देखिए पहले क्या था पानी को मग्गे मग्गे से फेंकना जाना ठीक है हैंडपम्प से फेंकना ढेकली से फेंकना राहत का इस्तेमाल करना तो वो हम बात करेंगे देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके कुएं झीलों और नहरों में उपलब्ध पानी को विभिन्न क्षेत्रों में अलग तरीकों से उठाकर खेतों में ले जाया जाता है ठीक है इन विधियों में मवेशी या मानव श्रम का उपयोग किया जाता है जो पुराने तरीके से पुराने तरीके थे उनमें कैटल और ह्यूमन लेबर का इस्तेमाल होता था पर अब क्या है मशीनें आ गई तो देखिए ये तो तरीके सस्ते थे लेकिन कम कुशल थे जरूरी नहीं है कि आप इन तरीकों से पूरे खेतों में पानी दे तो ये तरीके आपके सामने देखिए हैं पहला है मोट पुली राहत है चेन पंप है और ढेकली है तो इनके द्वारा आप पिक्चर देख सकते हैं इनके द्वारा आप खेतों में सिंचाई कर सकते हैं देख ली आप राहत का क्या है राहत में जो बैल है वो घूमती थी उसको बांध दिया गया वो घूमेगी और पानी खेतों में डलता जाएगा वही ढेकली से आप ढेकली में भर भर के पानी डालेंगे चेन सिस्टम से चेन चलती रहेगी तो पानी आपका डलता रहता था और पहली आपकी ये पुली वो खुद ही डालता था ठीक है पानी निकलता तो ये चारों सिस्टम आपको पता होना चाहिए क्या है आपके ट्रेडिशनल मेथड है पुराने पारंपरिक तरीके हैं इरिगेशन के सिंचाई के ठीक है जी चलेंगे आगे अब हम बात करेंगे मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन सिंचाई के आधुनिक तरीके अब जो तरीके इस्तेमाल होते हैं हम उनकी बात कर लेते हैं तो देखिए पहला तरीका आपका क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम आप जानते हैं जब नए तरीके आते हैं तो अगर आप नए तरीके अपना लेते हो अपने जीवन में अपनी शैलियों में तो आप आगे निकलने की कोशिश करते हो तो सिंचाई के कुछ आधुनिक तरीके हैं पहला क्या है स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा आएगा आपका ड्रिप सिस्टम तो पहले हम बात करेंगे स्प्रिंकलर सिस्टम की तो ये क्या है इस प्रणाली में ऊपर की ओर क्या होता है नोजल होता है अभी मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी ऊपर की ओर क्या होता है नोजल होता है लंबवत जो है पाइप होता है मतलब नोजल के परपेंडिकुलर पे आपके पाइप लगे होते हैं जो नोजल है वो घूमता रहेगा ठीक है तो जैसी जो नोजल है वो ऊपर वाला घूमता रहता है तो पाइप जब पाइप में पानी आएगा नीचे से नोजल घूम रहा है तो घूम घूम के हर एक खेत के पार्ट्स में वो पानी धीरे धीरे पहुंचाता जाता है तो एक बार पीछे पिक्चर देख लो मैं आपको पिक्चर से समझा देती हूँ ये है आपका स्प्रिंकलर छिड़काव यंत्र इसमें क्या होता है बहुत इस्तेमाल करते हैं स्प्रिंकलर और ड्रिल तो स्प्रिंकलर बेसिकली इस्तेमाल होता है छिड़काव करने के लिए घूमेगा और आप देख सकते हैं विभिन्न तरीके के यहाँ पाइप लगे हैं ये पाइप है ये पाइप लगे हैं पर पर पाइप लगा है ऊपर नोजल है वो नोजल से पानी बाहर जाएगा और पूरे खेत में गोल गोल घूम के ये पानी पहुंचा देता है बिल्कुल बिल्कुल ललिता बिल्कुल ठीक कह रहे हो रहे हो और दूसरा है बेटा ड्रिप यंत्र ड्रिप में क्या होता है इस प्रणाली में जड़ों के पास पानी गिरता है यहाँ पे जड़ों के पास देखिए पानी गिरा और इसलिए पानी का अपव्यय नहीं होता और कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए यह विधि बहुत अच्छी है अगर क्वेश्चन आए कि कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए कौन सी विधि अच्छी है तो आप क्या कहेंगे ड्रिप यंत्र ड्रिप सिस्टम कम क्षेत्र कम पानी वाले क्षेत्रों के लिए अच्छा है मतलब जहां पानी कम क्योंकि यहाँ पे क्या है ये ड्रिप बाय ड्रिप ये पानी पहुंचाता है और यहाँ पे नीचे क्या है हाँ बूंद बूंद से नालियों द्वारा बिल्कुल ठीक है ललिता बिल्कुल ठीक कह रहे हो बूंद बूंद से पानी के द्वारा ये अलग अलग जगह पानी पहुंचाता है और इससे पानी पहुंच जाता है क्रॉप में और इसे क्या है आपका यह आपके दो मॉडर्न तरीके ये दोनों तरीके में ही पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है ठीक है बिल्कुल राहुल पांडे बिल्कुल ठीक कह रहे हो आगे चलो भाई प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स अब क्या है जो खर पतवार है उनसे प्रोटेक्शन भी तो करनी है अभी मुझसे कोई पूछा खर पतवार आ जाओ जी खर पतवार पूछने वालों एक बार इसको ध्यान से सुन लो ठीक है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स खर पतवार से कैसे आपको सुरक्षा मिल सकती है तो एक खेत में कई अन्य अवांछनीय पौधे फसल के साथ अस्वाभाविक रूप से विकसित हो सकते हैं इन अवांछनीय पौधों को खरपतवार कहा जाता है मतलब ऐसे पौधे जो अनवांटेड हैं, अनडिजायरेबल हैं वो उग जाते हैं जैसे कि आपने कोई पौधा लगाया उसके साथ साथ अपने आप में कोई कोई भी अलग पौधा उसमें उग गया अब इसका इसका घाटा क्या है तो ये जब आप देखिए आप कहीं बैठे हो और आपके बैठने के बाद वहां कोई और बैठ जाए ठीक है तो आपको बैठने की जगह पूरी नहीं मिलेगी ना तो वही होता है पौधों के साथ भी जो पौधे हैं अगर उनकी जगह कोई और बैठ जाए तो उनको भी अच्छे से ग्रोथ करने की अच्छे से वृद्धि करने की वो उनके पास स्पेस नहीं होती उनके पास जगह नहीं होती तो ये इसका पहला साइड इफेक्ट है ठीक है तो देखो खरपतवार निकालने की निराई कहा जाता है याद रखें जो रिमूवल ऑफ वीड्स है जो वीडिंग जो वीडिंग कहते हैं जिसे हम जो आपके वीड्स उग गए हैं उनको हटाने की विधि को उनको जो हटाया जाता है उसकी विधि को आप कहते हो वीडिंग ठीक है जी आगे देखो मैनुअल निष्काशन में समय समय पर जमीन के करीब जमीन को उखाड़कर या काटकर खर पतवारों को निकालना शामिल है अब आप देखिए इसमें क्या अब जो वीडिंग है वो कितने तरीकों से होगी एक तो वीडी साइड छिड़क दो या फिर खुरपी से उन वीड्स को अलग अलग कर दो ठीक है तो खुरपी से जो वीडिंग है वो दो तरीके से होती है पहली तरीका क्या है जब आप खुरपी से जाओ और पूरे खेत में वीड्स को अलग अलग कर दो ठीक है अलग वीड को उखाड़ दो जो जो बेकार के पौधे उग गए हैं उनको खुरपी से उखाड़ दो और दूसरा तरीका क्या है वहां केमिकल छिड़क दो वीडीसाइड्स जैसे कि टू फो टू, टू, टू फोर्टी डी जैसे यहाँ पे केमिकल छिड़क दो उससे क्या होगा वो वीड्स को मार देंगे ठीक है जी दो तरीके याद रखिएगा और ध्यान से सुन ले चैप्टर खत्म होने वाला है डोंट वरी उसके बाद कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको मजा आएगा ठीक है अब देखिए अब आपके जो फसल है वो उग चुकी है तो फसल की कटाई कैसे करनी है वेरी इंपॉर्टेंट तो हार्वेस्टिंग कटाई क्या होती है जब आप जो आपकी क्रॉप है जो आपकी फसल है वो पक चुकी है परिपक्व हो चुकी है अब उसको आपको क्या है काटना है तो काटने को आप कहते हो हार्वेस्टिंग हार्वेस्टिंग का मतलब क्या है जो जो क्रॉप चोर हो गई उसको काटना हाँ बिल्कुल बिल्कुल प्रति प्रीतिका बिल्कुल ठीक कह रहे हो बच्चे जो वीड्स हैं उनके कारण जो आपकी फसल है वो अच्छे से उसकी वृद्धि नहीं होती वो अच्छे से उसकी ग्रोथ नहीं होती तो बिल्कुल सपना ठीक कह रहे हो रूट से निकाल दो खुरपी से बिल्कुल ठीक है शाबाश आगे देखो कटाई या तो मैनुअल रूप से सिकल द्वारा करो या फिर हार्वेस्टर नामक मशीन के द्वारा कर सकते हो क्या कहा मैंने जो कटाई होती है वो हार्वेस्टर क्योंकि हार्वेस्ट harvest, हार्वेस्टर निकला तो हार्वेस्टर नामक मशीन से कर लो या फिर मैनुअल रूप से सिकल द्वारा उसको निकाल लो ठीक है क्लियर हो गया अब देखो कटाई न केवल फसलों को काटने के बारे में बल्कि अनाज के बीज को भी चफ अनाज के पतले आवरण से अलग करने को कहते हैं अब आप देखिए जैसे कि आपने गेहूं गाया तो आप देखते हैं जो गेहूं होता है उसके ऊपर क्या क्या होता है कुछ पतली कवरिंग होती है छिलका होता है है ना तो जब अंदर के जो सीड है उसको छिलके से अलग करते हो क्या कहा मैंने जो अंदर की ग्रेन है उसको छिलकों से अलग करते हो उसको आप क्या कहते हो थ्रेशिंग क्या कहते हो थ्रेशिंग क्वेश्चन बहुत बार आता है द प्रोसेस इन विच द द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देयर शाफ इज कॉल्ड डैश याद रखो जब बीज को छिलके से अलग करते हो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं शाफ कह थ्रेशिंग कहते हैं याद रखोगे ठीक है जी क्लियर हो गया तो देखो आप नीचे देख सकते हो आपके सामने मैंने पिक्चर भी ला दी है हार्वेस्टर जहां बिल्कुल राहुल पांडे शाबाश राहुल पांडे ने कह दिया अगर हार्वेस्टर का इस्तेमाल तभी करते हैं जब बड़ा एरिया बिल्कुल ठीक है सिकल का इस्तेमाल कब तक आप जा जाके बड़े एकड़ में अगर आपकी जमीन है तो कब तक जा जाए काटोगे तो उस टाइम पे आप हार्वेस्टर का इस्तेमाल कर सकते हो बिल्कुल ठीक है शाबाश आगे देखो इसे कंबाइन नामक मशीन की सहायता से भी अलग किया जा सकता है जो वास्तव में एक संयुक्त हार्वेस्टर और थ्रेशर है अब देखिए ये देखिए छिलके हैं शाफ हैं और ये क्या है ग्रेन है तो इनको अलग करना है तो जो अलग करने की प्रोसेस थी मैंने उसे क्या कहा थ्रेशिंग कहते हैं ठीक है याद रखिएगा ठीक है और जिस मशीन का इस्तेमाल करते हैं उसे कंबाइनर कहते हैं याद रखिएगा थ्रेशर और हार्वेस्टर कंबाइंड हार्वेस्टर कहते हैं ठीक है हाँ बड़े पैमाने बिल्कुल ठीक है आगे आ जाओ भूमि के छोटी जोत वाले किसान दाना दाना अलग करते हैं ठीक है दाना दाना अलग अलग करते हैं उसे हम थ्रेशिंग कहते हैं ठीक है समझ आ गया होगा अब देखिए कटाई के कुछ पर्व हैं ये आपको एनसीआरटी में दिया गया था और ये आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं ठीक है क्या कहा मैंने आपके एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये कटाई के पर्व वेरी इंपॉर्टेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैंने एग्जाम लिख दिया है और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है तो ध्यान से सुने चार महीने के कठोर परिश्रम के बाद कटाई का समय आता है स्वर्णिम दोनों से भरी घड़ी फसल किसानों के हृदय में उल्लास एवं अच्छे समय का भाव संचारित करती है यह समय थोड़ा आराम करने एवं खुशी मनाने का होता है तो इसलिए भारत में कटाई के लिए हर्षो उल्लास से जो पर्व है वो मनाए जाते हैं और वो पर्व है क्या तो ध्यान से सुनो पुरुष एवं महिलाएं सभी मिलकर इस पर्व को मनाते हैं कटाई ऋतु के दौरान कुछ पर्व ये है पहला है पोंगल दूसरा है वैसाखी होली दिवाली, न, ल, नलाम्ब्या एवं बिहू जैसे पर्व जुड़े हैं पोंगल बैसाखी होली दिवाली निभन्या और बिहू ये अलग अलग जगहों पर मनाए जाते हैं क्वेश्चन में पूछा गया है ठीक है मर्चेंट ने भी कह रहे हैं इंग्लिश की क्लास कब होगी इंग्लिश की क्लास लगा दूंगी एक बार साइंस के बच्चों की डिमांड बहुत आई थी इनको भी सेटिस्फाई करना बच्चे जरूरी है ठीक है कोई बात नहीं भावना रिकॉर्डेड क्लास देख लेना और अभी कटाई का पर्व आपको मैंने दे दिया है इसके बाद आपका क्या है अब आपके पास फसल तैयार हो गई अब आप फसल को आपने काट ली अब आप फसल को करोगे स्टोर मतलब भंडारण की बात करते हैं तो आइए नमी और सूक्ष्म जीवों और कीड़ों से बचाने के लिए खाद्यान्न का उचित भंडारण महत्वपूर्ण है मीन्स आप जानते हैं बारिश भी है गर्मी भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी है इंसेक्ट्स भी है बर्ड्स भी है एनिमल्स भी है सबसे बचा के रखना है उस ग्रेन को जो आपने उगाई है ठीक है तो अब उसे कैसे करोगे ठीक तो देखो नमी खराब होने वाले बैक्टीरिया के विकास का पक्षधर है इसलिए भंडारण से पहले खाद्यान्न अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए ठीक है अच्छे तरीके से जो आपने उगाया है जो ग्रेन है जो आपका क्रॉप है जो आपकी फसल है उसको सुखा लें ठीक है क्योंकि सूखेगा तो नमी नहीं पड़ेगी और वो बचा रहेगा वरना नमी पड़ गई तो रोगाणु हो गए बैक्टीरिया हो गई कीड़े घुसेंगे और वो खराब हो जाएगा पूरा ठीक है अंकुरित होने का भी खतरा हो सकता है ठीक है हाँ बिल्कुल बिल्कुल ललिता बिल्कुल ठीक कह दिया है बिल्कुल मैं वही बताने वाली थी आगे कि नीम के पत्ते डाले जाते हैं और आपकी देखिए उन धातुओं के कंटेनर या जूट बैग में संग्रहित किया जाता है और नीम के पत्ते रोगाणुओं और कीड़ों के विकास को भी रोकते हैं तो नीम के पत्ते डाले जाते हैं बिल्कुल ठीक है और उनमें एल्काइड देखिए एल्काइड जो होता है ना वो पैथोजन को रिपिल करते हैं आप जानते हैं जो नीम होती है आप किसी को स्किन डिजीज है तो आप बोलते हैं नीम नीम पी लो क्यों बोलते क्योंकि जो नीम होती है वो आपके कीटाणुओं को भगाती है ठीक है तो नीम के अंदर मेडिसिनल वैल्यू होती है जो इनको प्रोटेक्ट करके रखेगी ठीक है तो आप देख सकते हैं सिलोज है स्टोरेज करने के लिए ग्रेन्स को और ग्रेनरीज है किस तरीके से देखिए आप स्टोर कर रहे हैं ग्रेन्स को आप देख सकते हैं किस तरीके से आप फसल को जोड़ के रखते हैं उसका भंडार करते हैं किस तरीके से जूट के बैग में पैक करते हैं किस तरीके से वो देखिए यूपी में आगे अगर महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं तमिलनाडु में फसलें उगती हैं तो किस तरीके से दिल्ली तक पहुंचती हैं किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर तक पहुंचती हैं तो ये तरीका ये है स्टोर कर लो सुखा लो नमी ना पड़ने दो नीम की पत्ते डाल लो और भी दवाई हैं वो डाली जाती हैं और इस तरीके से भी आप उनसे बच सकते हैं ठीक है जी तो आ जाइए क्वेश्चंस पे आ चलते हैं आप सभी की बिल्कुल 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 सभी के कमेंट्स नहीं पढ़ पाते टॉपिक बड़ा होता है तो टॉपिक कराना भी जरूरी होता है ठीक है जी तो प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड बताइए सॉइल की लूजनिंग की जो प्रोसेस है उसको मैंने क्या कहा था वेरी इजी जल्दी से आंसर दे विदाउट एनी क्वेश्चन मुझे आंसर दे बिल्कुल शिवानी इंग्लिश ग्रामर की क्लास जल्दी शुरू करूंगी वरी विश्वास कीजिए मैम पे मैम पे विश्वास करेंगे तो आपका भी विश्वास बना रहेगा और हम भी विश्वास करके आप पे जल्दी कोर्सेज लाएंगे ठीक है जी तो जल्दी से मुझे आंसर दे दो कि प्रोसेस मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है <coughs> मिट्टी की ढीला करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है हाँ जी तो इसका जो आंसर है वो बताया था मैंने मिट्टी की ढीला करने की प्रक्रिया को कहा जाता है टाइलिंग जो ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं टाइलिंग दे रहे हैं वो लोग सभी सही है भाई वीडिंग कहां जा रहे हो आप मिट्टी को ढीला करने की प्रक्रिया बीडिंग पे कहा जा रहे हो अरे मिट्टी को ढीला करना है बच्चों बहुत फ्लक्चुएशन है आंसर्स में इतना फ्लक्चुएशन कैसे है हां बिल्कुल एमपी टैट में जहां जहां साइंस आती है उस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एनसीआरटी करा रहे हैं बच्चे एनसीआरटी सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है हाँ जी बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए सही है जो लोग दे रहे हैं आ जाइए क्वेश्चन नंबर टू पे सीड्रिल जो है सीड्रिल का उपयोग किया जाता है सीड्रिल का उपयोग कहाँ किया जाता है मैंने बताया था जब आप क्या करते हो बीजों को डालते हो सीड्रिल ड्रिल से डालोगे तो सीड्रिल ड्रिल का उपयोग कहाँ करेंगे सोचो और आंसर दो <coughs> हाँ बिल्कुल बिल्कुल शाबाश शिवांगी ठीक है बिल्कुल वेरी गुड जिनका ठीक है भाई बिल्कुल ठीक है भावना मौसमी प्रीति बिल्कुल ठीक हो सोइंग के टाइम पर होता है बुवाई के टाइम पर होता है बिल्कुल ठीक जो भी लोग ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हो बुवाई वो सोइंग बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है भाई शाबाश अच्छे से पढ़ा है देखिए यही तो होता है आप पढ़ो पूरा कोर्स कर लो उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे ठीक है तो सोइंग जो भी बच्चे सोइंग दे रहे हैं वो लोग सभी ठीक है सभी ठीक है इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी बुवाई वेरी गुड आगे चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे जो राबी की क्रॉप है वो कब हार्वेस्ट <coughs> हार्वेस्ट कब होती है मतलब उसे काटा कब जाता है राबी की फसल को काटा कब जाता है जल्दी से आंसर बताए मुझे राबी की फसल मैंने बताया था कब होती है उसको काटा कब जाता है जल्दी से आंसर दे दीजिए सर्दियां जब खत्म हो जाएंगी तब उनको काटा जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे दे रहे हैं वो लोग सभी ठीक है राबी की फसल को मार्च में काटा बिल्कुल मार्च में हार्वेस्ट किया था क्योंकि सर्दी में सर्दी खत्म कब होती है भाई मार्च तक खत्म हो जाती है तो सर्दियों में होती है तो बिल्कुल जो भी बच्चे मार्च बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक है वेरी गुड ऑल ऑफ यू शाबाश बिल्कुल ठीक बोल रहे हो आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे द एग्रीकल्चरल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रिमूवल ऑफ वीड खरपतवार हटाने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है कौन सा टूल आप खर पतवार को हटाने के लिए इस्तेमाल करते हो और जो भी क्वेश्चन देते हो उसके आगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर लिख दिया करो फोर्थ का है थर्ड का है फिफ्थ का है लिख दिया करो ठीक है तो बताओ खर पतवार को हटाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करोगे सिकल का दरांती का खुरपी का सीड्रिल का या फिर प्लग का किसका इस्तेमाल करोगे बिल्कुल वेरी गुड सभी लोग बहुत अच्छे आंसर दे रहे हो ऑप्शन नंबर बी खुरपी से करोगे वेरी गुड मैंने बताया था दो तरीके हैं पहला क्या है आपका खुरपी और दूसरा क्या है स्प्रे कर देना केमिकल्स जो कि था वीडी साइड बिल्कुल ठीक है भाई गलतियां तो है ही नहीं है ना शाबाश बिल्कुल ठीक है आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द शाफ आफ्टर हार्वेस्टिंग कटाई के बाद धान से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं मतलब जो मैंने बताया छिलके को शाफ को अलग करते हो उसके अनाज से उसको क्या कहते हैं बिल्कुल ललिता तो देखिए अभी मैंने पढ़ा दी आप अगली बार आप खुद पढ़ लेंगे तो आपकी गलतियां होने का चांस नहीं और देखिए कोर्स पूरा लीजिए पढ़ लीजिए उसके बाद क्वेश्चन डेली कराऊंगी बीस बीस पचास जि, जितने क्वेश्चन आप करना चाहें मैं करा दूंगी साइंस के आप प्रैक्टिस करते रहे जैसे कि इंग्लिश पेडोलॉजी का कोर्स हो चुका है तो बच्चों को मैंने प्रैक्टिस कराया था बहुत अच्छे से कर गए मैंने आपको साइंस के सिक्स और सेवन्थ बैच करा दिया था वो भी आप अच्छे से कर गए हैं अब एट्थ भी हो जाएगा वो भी अच्छे से कर जाएंगे और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते रहिए ठीक है जी बिल्कुल ठीक है भाई थ्रेशिंग सभी लोग दे रहे हैं थ्रेशिंग बिल्कुल ही ठीक है वेरी गुड ऑल ऑफ यू ऑप्शन नंबर फिफ्थ का बी <coughs> हां बिल्कुल ठीक है बी चलिए आज के लिए इतना ही करेंगे अपने स्कोर लॉक कर दीजिएगा उम्मीद कर रही हूँ कि आपको आज की क्लास पसंद आएगी बेहतरीन क्लास थी बेहतरीन आपको पसंद भी आनी चाहिए थी फिर मिलेंगे आपके साथ नई क्लास के साथ नए टाइम टेबल के साथ नए बैच के साथ आई I मीन mean नए चैप्टर के साथ चैप्टर नंबर टू के साथ मिलेंगे आपको तब तक खुश रहिए घर रहिए सेफ रहिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो उम्मीद करती हूँ आपको जो आज का लेक्चर था पसंद आया होगा समझ आया होगा कोई भी डाउट आता है तो आप ऑफलाइन कमेंट्स कर दे बाकी जो इंग्लिश के बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए थे आज उनके लिए भी बता दूं जल्दी से पूरा मैथन क्लास लाऊंगी डोंट वरी तो अभी साइंस कर ले क्योंकि सीटेट में मुझे आपको क्लियर करवाना है और मेरा काम क्या है आपको क्लियरेंस पे पहुंचाना तो ये मत सोचिए कभी भी कि जो साइंस कर रहे हैं बच्चे वो सिर्फ सेकेंड लेवल के लिए नहीं जो साइंस है वो ईवीएस में ठोक ठोक के पूछता है वो ठीक है तो आपको साइंस भी करनी बहुत जरूरी है ठीक है तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो